वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला इज डेडिकेटेड टू नाइन्थ क्लास स्टूडेंट और इट इज अ स्पेशल क्लास जो संडे संडे चलती है। और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे बायोनॉमियल कल्चर की, और चूंकि एक क्लासिफिकेशन से इम्पोर्टेंट है और तभी हम प्लांट किंगडम में आएंगे, ठीक। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है, और आज की इस सीरीज का मोटिवेशन मैसेज है कि आप हमेशा प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो देखिए, आज की पाठशाला का टॉपिक है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर ये पूछा जाता है, ठीक है, और नाइन्थ के बच्चों के लिए एज वेल एज फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, तो देखेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले हमें नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म को समझना पड़ेगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म को समझना पड़ेगा। देखिए, अगर हम इसको बहुत डीप में जाएं तो देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रत्येक एनिमल का जो हैबिटेट है, उसका वास स्थान है, उसकी मॉर्फोलॉजी है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो लेकिन कुछ ऐसे करैक्टर होते हैं जो कुछ एनिमल के या एक ही जाति के एनिमल में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या किया गया, क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, ठीक। तो जब क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी तो उसमें मोनोनॉमियल, बायनॉमियल, ट्राइनॉमियल, इस तरीके से क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया। आज हम पढ़ेंगे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्यों आवश्यकता पड़ी। प्रायः देखा गया है कि एक ही प्रजाति के जीव अलग अलग देशों अथवा अलग अलग देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे कि गौरैया नाम पक्षी, उत्तर प्रदेश में गौरैया, आंध्र प्रदेश में पिच्छुक, इंग्लैंड में इसे हाउस स्पायरो और हॉलैंड में इसे मुश और जापान में इसे सुजून के नाम से जाना जाता है। तो इस सारी असुविधाओं को दूर करने के लिए कैरोलस नीनियस ने क्या किया था, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। इसमें इन्होंने एक और की पॉइंट नहीं बताया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि अलग अलग जाति, इतनी सारी डायवर्सिटी थी, डायवर्सिटी को कम करने के लिए, ठीक, और जो एनिमल में जो एक जाति के पर्टिकुलर एक एनिमल है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्लासिफाइड करने के लिए नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता पड़ी। तो आप ये बात भी याद रखिएगा। तो जब कार्ल वाल्ड लिनी ने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था तो उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था। तो कार्ल वाल्ड लिनी ने अपना नाम कैरोलस लिनियस कर लिया था। ये इस पुस्तक में नहीं दिया गया हुआ है, ये भी आप जान लीजिए। तो कैरोलस लिनियस द्विपद नाम पत्ति दी थी, ठीक, लेकिन इनका नाम पहले कार्ल वाल्ड लिनी था, और बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के देने के बाद उन्होंने क्या कर लिया था, अपना नाम कैरोलस लिनियस रखा, ठीक। तो अब देखिए बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। देखिए, नए खोजे गए जीवों को द्वि नामकरण पद्धति के द्वारा वैज्ञानिक नाम देने को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। मतलब नामकरण देना, यानी नए खोजे गए जीवों को दो नामकरण पद्धति द्वारा वैज्ञानिक नाम देना क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है। अब बात करेंगे बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर की, देखिए कैसे। स्वीडन के वैज्ञानिक लिनियस के द्वारा जंतुओं के वैज्ञानिक रूप से नामकरण की पद्धति को द्विपद नाम पद्धति या बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक प्राणी के दो नाम होते हैं। पहला नेम जेनेरिक नेम कहलाता है, जो प्राणी के वंश को प्रदर्शित करता है, और दूसरा नेम उसका स्पेसिफिक नेम कहलाता है, जो उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। जैसे बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिकस होता है। जैसे बिल्ली का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिकस होता है, मेढक काराना टिग्रिना होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। इसमें देखिए, इसमें जो फेलिस क्या होता है, वंश का नाम यानी कि जेनेरिक नेम होता है, और डोमेस्टिकस क्या होता है, स्पेसिफिक नेम होता है। तो इसमें कुछ सीरीज दी गई हुई है, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। देखिए मेढक का देखो जेनेरिक नेम जो होता है राना, और स्पेसिफिक नेम ट्रिग्रीना होता है। इसी तरीके से बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिकस होता है, कुत्ते का
कैनिस फैमिलेरिस होता है, ठीक है। हाथी का अल्फास इंडिकस होता है, ठीक। शेर का फेलिस लियो होता है, चीता का फेलिस ट्राइग्रिस होता है, घोड़े का इक्वस इक्वस होता है, चूहे का रेटस रेटस होता है, होमो का होमो सेम्पियंस होता है, ठीक है। तो आप इतनी सारी चीजें याद रखेंगे तो जूलॉजिकल नेम भी पूछे जाते हैं आपसे, बॉटेनिकल नेम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ठीक। उसको आगे देखते हैं। देखिए, द्विपद नाम की अंतरराष्ट्रीय संहिता या अंतरराष्ट्रीय नियम क्या कहता है ये समझिए। देखिए, इसमें बताया गया था, इसकी अंतरराष्ट्रीय संहिता दी गई थी, और इस अंतरराष्ट्रीय नियम में कुछ चीजें हमें जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमें याद रखना होता है और ध्यान में रखकर उसका नॉमेनक्लेचर करना होता है। देखिए, जंतुओं के वैज्ञानिक नाम लिखने की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। देखिए, कौन कौन सी? सभी जंतुओं का नाम, सभी जंतुओं का नाम दो शब्दों का होता है, ठीक है। क्या क्या है? जेनेरिक और स्पेसिफिक। नाम का पहला शब्द वंश का, दूसरा शब्द जाति का होता है, ठीक है। सभी नाम क्या होते हैं? अंग्रेजी में होते हैं, ठीक है। फिर वंश के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है, जाति का नाम स्मॉल लेटर में होता है, ये भी याद रखिएगा। जंतुओं का वैज्ञानिक नाम सदैव तिरछे या इटैलिक अक्षरों में लिखा जाता है, हस्तलिपि में इनके तिरछी लाइन खींचकर लिखा जाता है, और बकायदा इन्हें अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। इतनी बात याद रखोगे, ठीक, इतनी बात आप लोग याद रखोगे। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो देखिए, वर्गीकरण की वर्तमान प्रणाली के जन्मदाता स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस नीनियस 1707 से 1778 माने जाते हैं, ठीक। तो ये तो क्या हो गए हैं कि आधुनिक है जन्मदाता, ठीक है। इससे पहले जो प्राचीन और बेसिक जो जन्मदाता है वो कौन थे? अरस्तु थे। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वर्गीकरण की वर्तमान प्रणाली के जन्मदाता स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस नीनियस से 1707 से 1778 इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में जीव विज्ञान के वैज्ञानिक व आधुनिक वर्गीकरण की प्रणालियों की व्याख्या की, और इस प्रकार लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का संस्थापक या पिता कहा जाता है। तो बेसिकली ये बॉटेनिस्ट थे, ठीक है। इन्हें ये एक थे वनस्पति ज्ञाता, ठीक है। तो इन्हें बेसिकली जंतुओं की कोई नॉलेज नहीं थी, तो एरिस्टॉटल और इन्होंने मिल करके बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को दिया था, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं मिलती हैं। तो आधुनिक जो है वो क्या है? जो जन्मदाता है वर्गीकरण विज्ञान के संस्थापक या पिता कैरोलस नीनियस कहा जाता है, इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को बढ़ावा देने के लिए या इसको लोगों के सामने लाने के लिए अपना नाम चेंज किया था कार्ल बार्नेली से कैरोलस नीनियस में। तो एक कुछ इस तरीके से इसका ओवरव्यू होता है। आई होप आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।